दीदी 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 ये सुनो, आज सुबह ना एक आदमी का फोन आया राशन को लेकर के। तो मैं उसको बता रहा था कि भाई देखो, आपको 500 रुपये का राशन मिलेगा, 5 किलो आटा, 5 किलो दाल, 5 किलो चावल। तो भाई ना बीच में ही बात काट के बोलता है, विस्मय भैया, ये जो आप हमें 5 किलो चावल दिला रहे हैं, इसकी जगह आप हमें गोल्ड प्लेट सिगरेट का पैकेट नहीं दिला सकते क्या? मैं बोला कमाल भाई। अरे नहीं, अरे मेरे मरद को छोड़ के कैसे आएगी? बोलो आंटी, पगार का बात नहीं है आंटी, नहीं जमेगा मेरे को। नहीं, 15,000 देगी महीने का, उसके घर पे जाके रहने का। नहीं, नहीं जाएगी। वो तो गनीमत है, मुझे खिचड़ी बनानी आती है, वरना पूरा लॉकडाउन मैगी और ब्रेड खाकर ही गुजारना पड़ता। चल अब खा लो, खा लो, नखरे मत करो। स्वास हिट मी, मारा उसने मुझे, आज शबे बारात है ना मैडम, तो हम लोग सुबह 4 बजे उठ के खाना खा लिए। फजर के अजान से पहले खाना होता है हम लोग को। आज मैं मीठा चावल बनाई। अभी ये हम लोग अभी कुछ नहीं खाएंगे, मतलब ऐसा खाने का काम कुछ नहीं। अभी शाम को एकदम मगरिब की अजान के बाद, ये शबे बारात के रोजे होते हैं ना, ऐसे 3 दिन रखते हम लोग। अच्छा है, थोड़ा रेशन भी और दिन चल जाएगा। नहीं यार, सलीमा। हाँ हेलो, हाँ हेलो सलीम भाई। हाँ हाँ अरे कितनी बार करोगे, शुक्रिया, हो गया बस। हाँ हेलो हेलो सलीम भाई, सिग्नल नहीं है आपका। नहीं यार, बस सलीम भाई ने दिमाग खा लिया है यार। यार विस्मय, मतलब ऐसे कैसे चलेगा यार, है? सुबह से शाम तक सिर्फ फोन पे लगे रहते हो। माना कि एक अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन भाई कोई शेड्यूल होना चाहिए ना, सिस्टम होना चाहिए ना। इतने दिन हो गए, एक भी मोनोलॉग पढ़ा है? एक्सरसाइज की है? अबे बॉडी देखो अकड़ गई है, धूप तक नहीं खा रहे। कसम खा लो, अब कुछ भी हो जाए फोन नहीं उठाना। हाय हाय दिव्या, हेलो। हाँ बस फ्री हूँ, नाम क्या बताया तुमने? सकीना, समझो हो गया। हमारा लेटेस्ट आर्ग्यूमेंट चेंज की बात को लेकर हुआ। सुहास सेड समथिंग विल चेंज बिकॉज ऑफ ऑल दिस, यू नो, जिस तरीके से हम जी रहे हैं दैट विल चेंज फॉर एवर। आई सेड बॉल्स वी विल चेंज, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। इनफैक्ट इंसान और वेंजेंस के साथ नेचर को अटैक करेगा। सब वेट कर रहे हैं कि कब ये सब खत्म हो बस, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेचर एंड एवरीथिंग गुड जो भी इस लॉकडाउन में हुआ। तो एकदम बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बेसिकली एक पेसिमिस्ट हो। रियली? आई सेड तो फिर कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा? कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी लेवल का डिस्कशन किसी भी कंट्री में नहीं हो रहा है कि एक्चुअली ये चेंज आएगा कैसे। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम सिर्फ बोलना जानते हो, और चेंज करने से आता है, बोलने से नहीं। अम्मी याद है जब मैंने पहली दफा शबे बारात का रोजा रखा था, मुझे जोर की भूख लगी और मैंने कुछ खा लिया, फिर मैं रोने लगा। सबको लगा बच्चा भूख के मारे रो रहा है, लेकिन तुम मेरे पास आई और बोली,
क्या खाया तुमने? बहन ने सिसकते हुए कहा, मुरब्बा। तुमने पूछा, जानते हो शबे बारात की रात को क्या होता है? मैंने कहा, नहीं। शबे बारात की रात ये फैसला होता है कि कौन जमीन पर रहेगा और कौन ऊपर जाएगा। मैं डरकर बोला, अम्मी मुझे ऊपर नहीं जाना है। तुम हंसती, मुझे गोद में लेकर बोली, आज रात अल्लाह हमारे सबसे करीब आते हैं और इंसान के तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं। मुशरिक को माफी नहीं मिलती। क्या तुम मुशरिक हो? नहीं, मैं बोला। तुमने कहा फिर क्या डरना? रात में जब अल्लाह मियां से दुआ मांगो तो अपनी गलती उन्हें बता देना, माफी पक्की। मैंने आंसू पोंछे और पूछा, ये मुशरिक कौन होता है? तुम बोली, मुशरिक मुसलमान कहलाने लायक नहीं होता है। तो मैंने कहा, मुसलमान कौन होता है? मुसलमान वो होता है जो सबकी सलामती चाहता है, किसी से नफरत नहीं करता। तो मैंने कहा, अगर मैं मुशरिक हुआ तो मैं तुम्हें खुद अल्लाह मियां को दे आऊंगी। हेलो हेलो, मैं सकीना, वो दिव्या मैडम की मम्मी ने आपका हाँ 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 एक मिनट भैया, वो मेरे को जी। तो कितने लोग कितने आपके घर में बोलिए? दो लोग हैं। अच्छा, काम क्या करते हो? मैं घर में खाना बनाने का काम है मेरा, घर में खाना बनाती है मैं। अच्छा, और पति? पति है ना। अरे लेकिन काम क्या करता है वो? काम ना, वो प्लास्टर का काम है उसका। अच्छा, और आपको पगार नहीं दिया वो जहाँ पे आप खाना बनाती थी उन्होंने? अच्छा, आईडी कार्ड फोटो भेज दीजिए पति का। हेलो, क्या हुआ सकीन? हेलो, क्या हुआ वो? अच्छा, सॉरी, सुनिए, मुझे ना ये डिटेल्स लिखना पड़ता है इधर। हाँ सकीना, मैं आपको अच्छा समझाता हूँ, ठीक से समझाता हूँ। हेलो, नहीं सॉरी भैया। अरे नहीं, हेलो सकीना, सुनिए आप मेरी बात। हेलो, टाइम खराब किया। हेलो सॉरी। हाँ नहीं रे, ऐसा मांग के नहीं खाएंगे खाना। तो प्रोडक्शन हाउस आई वर्क फॉर, कल शाम उन्होंने एक प्रोजेक्ट ऑफर किया, पेड वर्क फ्रॉम होम। ऑफ कोर्स आई एम थ्रिल्ड। सुहास को भी बताया मैंने, थिंकिंग ही विल बी हैप्पी। एटलीस्ट हम दोनों में से किसी के पास तो पेड जॉब है। लेकिन वो एकदम चुप हो गया, कोल्ड, एंग्री। We need to talk. अरे यार सलीम भाई, नहीं यार नहीं। राशन के सारे फोन 4 से 6 के बीच में ही करे, सुन लो सब के सब। हाँ, अभी नहीं उठाना। अबे अटक गया। अबे सुना, अबे ये भी कोई पोजीशन है साला अटकने की?
फोन धीरे 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 अबे सुना अबे किसको मिला हूँ किसको फोन डायल करूँ बे कौन है यहाँ पे आसपास कौन रहता है सारा सारे दोस्त दूर है अबे अटक गया यार जोर से चिल्लाओ बचाओ बचाओ अबे अबे सलीम हेलो विस्मय भैया बस एक बात करनी थी दो दिन से ट्राई कर रहा हूँ फोन ही नहीं लग रहा आपका सलीम भाई अभी नहीं भैया हम अभी बोलेंगे भैया बस ये कहना था कि आपने जो हमारे परिवार के लिए किया है ना माँ कसम आपको आधी रात में भी हमारी जरूरत पड़े तो हम आएंगे आप बोलिएगा भैया कहाँ रहते हो मालवानी में भैया अरे आपकी अगली गली ही तो है अच्छा गांव भी नहीं जा सकते उधर तो जमीन भी नहीं है खेती का काम भी नहीं आता है क्या करेंगे उधर जाएंगे तो भूखे ही मर जाएंगे इधर मैं कुछ तो कर लेगी क्या करेगी हाँ तो बोलना मैडम को तू बंद कर आइए हम लोग देख लेंगे इधर में वो टावर वाली आंटी का काम पकड़ लेगी 15,000 देगी महीने का अच्छा है उसके घर पर ही तो रहना है ए क्या हुआ एड़ा है क्या हाँ अरे मैंने तेरे को फोन पे सब्जी बनाना सिखा देगी ऐसा मत करना मैडम आप बोलो ना इसको कैसा कर रहा है देखो ना अभी चल मेरे को कुरान पढ़ने का अभी स्वास हिट मी मारा उसने मुझे चलो अम्मी कुछ खा लो सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने लो कल खिचड़ी नहीं बनाऊंगा ठीक है कुछ पढ़ के सुनाऊं तो खाओगी ठीक है सुनाता हूं
ऐसे वक्त में जब मिडिल क्लास औरतें नौकरी नहीं किया करती थीं, तब तुम साइकिल पे नौकरी करने जाया करती थी। लौट कर तुम हम सबके लिए खाना बनाती थी। 6 घर वालों के लिए खाना बनाने में तुम्हें 2 घंटे लग जाते थे। मैं मुंह बिगाड़ कर थोड़ा खाना हमेशा जूठा छोड़ देता था। तुम सिर्फ इतना कहती, किसान बड़ी मुश्किल से अनाज उगाता है अशु। तुम कहां जानती थी कि एक रोज अशु अदीब बन जाएगा और इस किताब को लिखने के बहाने 1 महीने तक तुम्हें उस किसान की याद दिलाएगा और खिचड़ी खिलाएगा। चलो अभी खा। क्या बात है अम्मी, सुबह से आज एक लफ्ज ही नहीं बोले तुम। अम्मी अम्मी, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. I wanted to report a domestic violence case. बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, थैंक यू। ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم